दो नंबर को एंटर करना है कीबोर्ड के थ्रू, आपको एक प्रोग्राम लिखना है ताकि फाइंड द वैल्यू ऑफ वन नंबर रेज टू द पावर ऑफ अनदर, यानी जैसे आपको 3³ करना है, 4^6 करना है, इसके लिए आपको प्रोग्राम लिखना है। कैसे लिखेंगे ये प्रोग्राम? हम लिखेंगे व्हाइल लूप का यूज करके। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी नंबर को रेज कर रहे हैं किसी पावर से, इसका मतलब उस नंबर को उतने बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। तो हम यहाँ पर एक कमेंट लिखेंगे बढ़िया सा ताकि प्रोग्राम समझ में आ जाए किस काम के लिए यूज कर रहे हैं। stdio conio हम इसको हेडर फाइल को इंक्लूड कराएंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स वाई आई इक्वल टू वन जितने भी वेरिएबल लेना है, और यहाँ पर लॉन्ग इंट में पावर इक्वल टू वन लेंगे। अभी देखना पावर का क्या होता है, क्योंकि हमको जैसे मैंने कहा 3³ होता है, 3 × 3 × 3 ये होता है ना, पहले 3 लेंगे फिर 3 × 3 रखेंगे किसी में, फिर 3 × 3 जिसने रखा हो उसे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 × 3 × 3 आएगा। इस तरीके से करना है। तो देखिएगा हम यूजर से बोलेंगे दो नंबर एंटर करिए, आप दो नंबर एंटर करेंगे एक्स और वाई। अब आपने जैसे दो नंबर एंटर किया, जैसे 2³ निकालना है, यहाँ पर 2 एंटर हुआ या 3 एंटर हुआ, आपने कहा जब तक आई लेस देन इक्वल टू वाई हो, जब तक आई लेस देन इक्वल टू वाई है, यानी इस 3 तक जब तक आप ना पहुंचे, आप पावर में आपने 1 से शुरुआत की थी, पावर इक्वल टू पावर इंटू एक्स, पावर इक्वल टू पावर इंटू एक्स, और एक्स पे क्या है 2। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पर इस वाले में, यहाँ 2 आएगा और पावर में पहले 1 था, 1 से शुरुआत की है ना, तो पावर में आपका आ जाएगा 2। अब आई प्लस प्लस कर दिया आपने, आई कहाँ से शुरू किया था 1 से, अब आई में आ गया 2, 2 लेस देन इक्वल टू 3 है अभी भी, और अब क्या हो जाएगा इस पावर में 2 है, तो यहाँ पर 2 है। अब इस एक्स में क्या आ गया, क्योंकि आपने ये एक्स वैल्यू वही चल रही है 2, एक बार 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए राइट, और उसको पी को असाइन कर दीजिए। तो अब पी में इस पावर में 2 × 2 आ गया, फिर और एक बार इसको इंक्रीमेंट करिए, यहाँ पर आप 3 पर पहुंच गए, क्योंकि 3 इसके बराबर हो गया, और पी के अंदर 2 × 2 है, ये पी में 2 × 2 है, और एक्स क्या है आपका 2, 2 × 2 × 2 हो गया, ये पी में आ गया, यही तो 2³ है, ये तो निकालना था, पावर आ गया। इस तरीके से पावर निकालते हैं, फिर इन दोनों को प्रिंट करा दीजिए।